हेलो दोस्तों, तो चलिए आज जानते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों हमें आपको। इसका नोटिफिकेशन फरवरी मार्च में आ जाता है। इसका प्रारंभिक परीक्षा जून अगस्त में हो जाती है और मेंस होता है इसका दिसंबर के करीब, और इंटरव्यू होता है मार्च अप्रैल मई के लगभग, फाइनल रिजल्ट इसका जून जुलाई में आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग सिविल परीक्षा, ये तीन चरणों में होती है। प्रथम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू साक्षात्कार। चलिए प्रथम चरण देखते हैं। इसमें दो पेपर रहते हैं, सामान्य अध्ययन, प्रथम प्रश्न पत्र, ये 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। और दूसरा है हमारा सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, इसे सी सेट बोला जाता है। इसमें 80 प्रश्न रहते हैं, 200 अंक का रहता है। ये ओनली क्वालिफाइंग है, मतलब क्वालिफाई पेपर है। चलिए अब बताते हैं आपको कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें 33% अंक चाहिए होते हैं आपको पास होने के लिए क्वालिफाई। और प्रारंभिक परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है, इसके आधार पर हमारी कट ऑफ बनती है और जिसके आधार पर हम मेंस में बैठ पाते हैं। चलिए अब दूसरा चरण देखते हैं, मुख्य परीक्षा जो 1750 नंबर की रहती है। हाँ, आपको बता देना, इसमें फर्स्ट जो अनिवार्य प्रश्न पत्र, सामान्य अंग्रेजी 300 नंबर का रहता है, क्षेत्रीय भाषा हिंदी गुजराती, मतलब जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है वो भी 300 अंक की रहती है। ये पेपर दोनों ओनली क्वालिफाई हैं, मतलब क्वालिफाई पेपर्स हैं। हमारे जो मेरिट लिस्ट बनती है यहाँ से बनती है। दूसरे प्रथम प्रश्न पत्र है जो, ये निबंध है, जो 250 नंबर का रहता है, 250। द्वितीय प्रश्न पत्र है हमारा सामान्य अध्ययन फर्स्ट, ये 250 का रहता है हमारा। और तृतीय प्रश्न पत्र है हमारा सामान्य अध्ययन सेकंड, ये भी 250 अंक का रहता है। चतुर्थ प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र से थर्ड, ये भी 250 अंक का रहता है। पंचम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन फोर्थ, ये भी 250 अंक का रहता है। और वैकल्पिक विषय है जो हमारा, ये एक पेपर होता है, मतलब दो दो प्रश्न पत्र रहते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है जो 250 का रहता है, और दूसरा है हमारा वो भी द्वितीय प्रश्न पत्र भी 250 नंबर का रहता है। चलिए अब तृतीय चरण की बात करते हैं, ये इंटरव्यू है, वो 275 अंक का रहता है। और मेरिट लिस्ट जो सूची बनती है हमारी, ये 2025 मतलब 2025 अंक में से बनती है, इसी के आधार पर हम फाइनल यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, देख लेते हैं सिलेबस। सामान्य अध्ययन तो आपको यहाँ बता दें, जो फर्स्ट है इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की महत्वपूर्ण की सामाजिक घटनाएं आती हैं, मतलब करंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की। दूसरा है भारतीय, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें फिर अगला है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। फिर अगला है भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार और संबंधी मुद्दे। फिर अगला भारतीय और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। फिर पर्यावरण परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। फिर अपना सामान्य विज्ञान है। चलिए अब और आगे देखते हैं, मेंस पे आ जाते हैं। जो फिर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट है, ये रहता है हमारा भारतीय विरासत संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। जो फर्स्ट पेपर है हमारा 250 नंबर का रहता है सामान्य अध्ययन का, वो ये है, ठीक है। और इसका ये इतिहास, मतलब ये सिलेबस है पूरा, हेडलाइन है भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल। ये हो गया भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, आप लोग सब देख लेना है, रोक के वीडियो मैन बता देता हूँ बस में हेडिंग।
चलिए अब सेकंड देखते हैं। अब है पेपर थर्ड अपना, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली एवं सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय संविधान, मतलब शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका सिलेबस ये है पूरा। वीडियो रोक के देख सकते हो आप पूरा, या कहीं किसी भी साइट से डाउनलोड भी कर सकते हो दोस्तों। बस एक मोटा मोटा आप लोगों को समझाना, आगे देखते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये ई गवर्नेंस, अब सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र थर्ड देखते हैं। ये प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, सामाजिक, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ये थर्ड पेपर में। ये इसका पूरा सिलेबस, इसे वीडियो को आप देख के अच्छे से देख सकते हैं, किसी भी साइड में मिल जाएगा यार, आराम से देखिए। रंगला देखते हैं हम, प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फोर्थ है। नीति शास्त्र, सत्य निष्ठा, अभिरुचि, इसका सिलेबस ही है। ठीक है, चारों पेपर का हो गया दोस्तों, ऑप्शनल का किसी भी साइड से डाउनलोड कर सकते हो। मेन था कब पेपर होता है, क्या क्या रहता है, कौन से प्रश्न पत्र रहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आप इतने लोग तो आप लोग समझदार ही होंगे, अब गूगल का ज़माना चल चुका है, कहीं से भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं बंद करते हैं। इसे तो देख लीजिए, ये मसूरी, मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिलों से जरा कह दो भी मैं पहुँचा नहीं हूँ मैं, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरा सपना। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं रोकते हैं।